नजर डालेंगे दिलचस्प अजीब पर। अमेरिका में चोरी की गई एक किताब 50 साल बाद लाइब्रेरी को वापस कर दी गई। अमेरिकी रियासत ओहायो के सिनेसिनाटी पब्लिक लाइब्रेरी के मुताबिक कुतुबखाने से चुराई गई मुसन्निफ की किताब टार्जन एंड टार्जन ट्विंस 50 साल बाद बजरिया डाक लाइब्रेरी को वापस भिजवाई गई। किताब के साथ एक रुका भी भेजा गया जिसमें किताब की गैर मौजूदगी के हवाले से बताया गया। भारतीय रियासत केरला की हाई कोर्ट ने कहा है कि शोहर का अपनी बीवी का दूसरी औरतों से मुवाजना करना जहनी अजियत के मुतरादिफ है। केरला हाई कोर्ट ने एक केस की समाअत के दौरान कहा कि अगर कोई शोहर अपनी बीवी को उसके ज़ाहरी हुलिये पर ताने देता है, ये कहता है कि अगर उसकी बीवी की तवक्कात पर पूरा नहीं उतर रही या उसका मुवाजना किसी और से करता है तो ये एक तरह का जहनी जुल्म है। नेपाल से ताल्लुक रखने वाली दो बेटियों की मां पार्वती सुनार कम उम्र में शादी होने के बायस तालीम हासिल नहीं कर सकी थी, ताहम अब अपनी 11 साल बेटी के साथ स्कूल में पढ़ रही हैं। इत्तला के मुताबिक पार्वती सुनार ने 15 साल की उम्र में अपने बेटे से 7 साल बड़ी उम्र के शख्स से भागकर शादी की थी, ताहम उन्होंने पढ़ने के शौक को अपने बेटे के साथ पूरा करने का फैसला किया।